नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। आज हम अभी पहुंचे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के निवास पर और जानेंगे कि केजरीवाल जी की जनसभा क्यों कैंसिल हुई। हम इनसे बात करेंगे। रानीबाग में केजरीवाल जी की जनसभा होनी थी, क्या कारण रहे कि वहाँ पर जनसभा कैंसिल हो गई? दिल्ली पुलिस ने जो संत नगर चौक है जहाँ पर आज तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग होती आई है, उसके अलावा रानीबाग में कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग, रानीबाग में अगर कोई भी मीटिंग हुई है तो उसी जगह पर हुई है। आज तक 4 मार्च को हर्षवर्धन जी ने उसी जगह पर मीटिंग की थी, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। आपने उसको कवर भी किया था, आपके अखबार में उसकी फ़ोटो भी छपी थी। 4 मार्च को उसकी परमिशन दी जाती है और अरविंद केजरीवाल की जब जनसभा होती है तो उसके लिए मना कर दिया जाता है। कहते नहीं जी, अरविंद केजरीवाल की जनसभा के लिए हम परमिशन नहीं देंगे। अब मैं तो जानना चाहता हूँ ये क्या, ऐसा क्या है कि आज तक तो परमिशन मिल रही थी। हमने भी कम से कम उसी लोकेशन के ऊपर आम आदमी पार्टी की 10 सभाएं तो हम कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट समय के ऊपर। तो मुझे लगता है ये डर गए हैं बीजेपी वाले, इनको लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी से वैसे जीतना मुश्किल है, इनकी सभाएं रोको, इनको प्रचार मत करने दो। तो ये गंदी राजनीति है। सर, इस लोकसभा चुनाव में आप क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी सब क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है। केजरीवाल सरकार ने जो काम किए हैं सब लोग बड़े खुश हैं। फिर भी दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य नहीं है। पूर्ण राज्य ना होने की वजह से बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। क्लास में 90% नंबर आते हैं तब भी एडमिशन नहीं मिलता। तो 85% एडमिशन जो 12वीं क्लास दिल्ली से पास करते हैं बच्चों को मिलने चाहिए। इसी तरह से जो दिल्ली सरकार की नौकरियाँ, 85% नौकरियाँ दिल्ली के बच्चों को मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस दिल्ली की जनता के अंडर आनी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर आनी चाहिए, ताकि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था ठीक हो सके। आज दिल्ली के अंदर बिल्कुल अराजकता का माहौल है। DDA जो है, अपने आप से DDA की नीतियाँ देखी, कैसी नीतियाँ बनाई दिल्ली का विनाश करने के लिए, उन्होंने क्या क्या नीति नहीं बनाई ये बताइए। 1962 में DDA बना, DDA को बने हुए 56 साल हो गए। 56 साल में उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिससे दिल्ली का सत्यानाश हो गया। आज दिल्ली ऐसा लगता है कहीं जाना भी हो सड़कें भरी पड़ी हैं, कहीं पार्किंग की जगह नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है ठीक से बनाई, क्योंकि अफसर सही है, कोई उसकी जवाबदेही तो है नहीं, जनता तो कुछ कह नहीं सकती, जनता तो रिसीविंग एंड के ऊपर है। तो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। दिल्ली की जनता से हम कह रहे हैं कि इस बार खड़े होइएगा। BJP और कांग्रेस को आपने बार बार देखा है, इस बार आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बनाइएगा, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाया जाएगा। सर, कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? 7 पर। पूरे देश में लड़ रही है? सर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की 7 सीटों पर लड़ रहे हैं। अब अगर सर कांग्रेस से आपका गठबंधन का प्रस्ताव होगा तो सर क्या आगे का रुख होगा आपका? नहीं, हमारी तो नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। आपके सर स्टार प्रचारक कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। सर, CM केजरीवाल पर तनाशाह होने का आरोप लगता रहा है। देखिएगा, आरोप लगाने वालों का तो काम है, आरोप लगाते रहिएगा। हमारी ही पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके अंदर खुल के डिस्कशन होता है, बातचीत होती है। बाकी तो मुझे लगता है कि तानाशाही तो हिटलर को ही कहते थे, और हिटलर के जो अनुयायी हैं और वही अगर तानाशाही की बातें करने लगे हैं, सबको पता है कौन हिटलरशाही करता है और कौन नहीं करता। सर, अपने क्षेत्र में आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो सर स्वास्थ्य विभाग में शकुर बस्ती को सर क्या क्या दिया आपने अभी तक? देखिएगा, हमारे शकुर बस्ती विधानसभा के अंदर 3 पॉलीक्लिनिक स्टार्ट कर दिए गए हैं। रानीबाग के अंदर पॉलीक्लिनिक नया बिल्कुल स्टार्ट किया गया है, सरस्वती विहार में और पश्चिम विहार में 5 मोहल्ला क्लिनिक नए बना दिए गए हैं। महावीर हॉस्पिटल जो 200 बेड का अस्पताल है, उसको 700 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। एयर कंडीशन होगा, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल होगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर जो शकुर बस्ती विधानसभा है, नंबर 1 पे होगी। सर, मनोज तिवारी जी ने सर आयुष्मान भारत को योजना न करने का सर आरोप पर आरोप लगाया। देखिए, ये लोग तो ड्रामेबाजी है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइएगा, सारा इलाज मुफ्त है, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, टेस्ट मुफ्त होते हैं, ऑपरेशन मुफ्त होते हैं, कैश काउंटर ही नहीं है। अब आयुष्मान भारत लाके आप कहते हैं 10% लोगों का इलाज करेंगे, 90% का इलाज नहीं करेंगे, ये कौन सी स्कीम है भाई? दिल्ली के 10% लोग, वो कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ये कि उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जिनकी इनकम साल में 50,000 60,000, महीने की नहीं साल की 60,000 से कम होगी, उनको लेंगे इसके अंदर। SSC डाटा पता नहीं कौन सा बनाया हुआ है, भाई दिल्ली के अंदर तो नहीं होता। दिल्ली के सभी नागरिकों का इलाज होना जरूरी है, और ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। एक इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू सरकारी अस्पताल में इलाज, इससे बड़ा फ्रॉड कुछ नहीं हो सकता है, ये थोड़े दिनों में आपको पता लगेगा। अब सरकारी अस्पताल के अंदर आप जा रहे हैं तो इलाज होना चाहिए ना, चाहे गरीब है अमीर है, जो मर्जी है जो चला गया उसका इलाज होना चाहिए। कहता आयुष्मान भारत के थ्रू हम 15% का इलाज कराएंगे, 20% कराएंगे, 80% का नहीं कराएंगे। तो ये क्या करना चाहते हैं कि
जनता का पैसा इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू ये फ्रॉड करेंगे थोड़े दिनों बाद। सर कैमरा लगाने की बात हुई थी सर, शकुर बस्ती में कैमरा लग गए सर? चल रहे हैं आजकल, सब जगह लग रहे हैं, पूरे शकुर बस्ती विधानसभा के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगने स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।